फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको कब्ज रहती है, आपका पेट सही से साफ नहीं होता, आपको 80 से ज्यादा बीमारियां घेर सकती हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और जानते हैं पेट साफ करने का अचूक उपाय जिससे आप कब्ज की प्रॉब्लम से निजात पा सकें और स्वस्थ रह सकें, आपको कोई बीमारी ना घेर पाए। तो इन 6 स्टेप्स में पहला स्टेप है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको तांबे के बर्तन में रात का रखा हुआ पानी पीना है। फ्रेंड्स, सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से आंतों में खुश्की और बढ़ती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही चाय कॉफी बिल्कुल ना पिएं। सुबह गर्म पानी पिएं, तांबे के जग को सीधा गैस पर रख दें और फिर कांच के गिलास में डालकर उकड़ू बैठकर पानी पीना है। उकड़ू पोजीशन में पानी पीने से ऑटोमेटिकली प्रेशर बनने लगेगा। अगर उकड़ू बैठना मुश्किल लगे तो आप खड़े होकर पानी पिएं। अगर पानी पीते ही प्रेशर बने तो ठीक, वरना 2 मिनट पेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सहलाते हुए थोड़ा टहलें, फिर टॉयलेट जाएं। अगर उकड़ू बैठना मुश्किल लगे तो आप सोफे पर या कुर्सी पर बैठकर भी आराम से पानी पी सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉयलेट सीट पर बहुत डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से पेट साफ हो पाता है। ये तो आज प्रूव हो चुका है कि जितना हम उकड़ू पोजीशन में होते हैं उतनी ही इजीली हम मल त्याग कर पाते हैं। लेकिन आज के समय में हम में से ज्यादातर लोगों के घर में सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट ही होती है, तो एक इफेक्टिव तरीका ये है कि आप वेस्टर्न सीट पर ही इंडियन स्टाइल में बैठ जाएं। शुरू में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसके आदी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में फ्रेश होकर आप रेडी हो जाएं और ब्रेकफास्ट करने के लगभग 20 मिनट बाद आप लें 3 चम्मच अभ्यारिष्ट, 3 चम्मच कुमारी आसव, 6 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर। फ्रेंड्स, अभ्यारिष्ट, जिसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ भैषज रत्नावली में वर्णन मिलता है, इसमें 15 से ज्यादा हर्ब्स जैसे कि हरीतकी, सौंफ और मुनक्का से ये बनता है, जो कब्ज को जड़ से ठीक करता है। ये एक कारगर डाइजेस्टिव टॉनिक है जो आंतों में पड़े मल को आगे सरकाता है। कुमारी आसव का वर्णन योग रत्नाकर में मिलता है, जो एलोवेरा और 15 असरदार जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। ये आंतों की ड्राइनेस खत्म करता है, टॉक्सिंस बाहर निकालकर उन्हें नरम करता है। दोनों नेचुरली फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, जिससे पचने में आसान है और ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आराम से इन्हें सिप सिप करते हुए पिए, ऐसा सोचते हुए कि अंदर हीलिंग हो रही है। जैसा कि हमने बात की कि कब्ज होने का मतलब ये है कि आंतों में ड्राइनेस हो गई है, इसलिए आप क्या खाते हैं इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कच्ची सब्जियों का सलाद रूखा और ठंडा होने की वजह से कब्ज में आपको नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि फल भी सूरज ढलने के बाद ना खाएं। पके हुए केले, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार और भिगोई हुई अंजीर आपके लिए बेस्ट फ्रूट हैं। आंतों को नरम रखने के लिए घी का 1 चम्मच हर सब्जी के ऊपर से डालें। हींग और अदरक आपके लिए फायदेमंद है, तो सब्जी बनाते हुए इन्हें डालना ना भूलें। राजमा, बंद गोभी और मशरूम को कब्ज में थोड़ा अवॉइड ही करें। फाइबर का डाइट में होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैदे से बनी चीजों को खुद से दूर रखें, बल्कि आप होल व्हीट आटा, सेमी ब्राउन राइस और मिलेट्स का ही इस्तेमाल करें। ओट्स बहुत अच्छे हैं। ओट्स में दूध और शक्कर मिलाकर या दही में सब्जियां डालकर घर पर ही मसाला ओट्स बना सकते हैं। ठंडा पानी अवॉइड करें, जितना हो सके गर्म पानी पिए। देसी गाय से बने मिल्क प्रोडक्ट्स ऑयली होने की वजह से आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए, जैसे कि घी। लंच के बाद छाछ या लस्सी जरूर पिए, बाकी जब भी खाएं अच्छे से चबा कर खाएं। ऐसे करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड, शाम को 5 बजे के आसपास आपको करना है स्टेप 5, जो कि है अलसी की चाय। अलसी के बीज ऑयली होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे कि ये एक लैक्सेटिव की तरह भी काम करते हैं। चाय बनाने के लिए पैन में 300 मिलीलीटर पानी डालें, 1 बड़ा चम्मच अलसी का बीज डालें, 15 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। पानी आधे से कम हो जाएगा। अलसी के बीज छान लें और पहले चबा लें, इनमें एक नटी टेस्ट होता है। ऊपर से चाय सिप सिप करके पीकर फिर डिनर
के 20 मिनट बाद 3 चम्मच अभ्यारिष्ट 3 चम्मच कुमारी आसव उतना ही गर्म पानी मिलाकर पिएं, धीरे धीरे पिएं, डिनर को ये पचाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स फिर रात को सोने से 30 मिनट पहले दूध में अदरक को उबाल लें और गुनगुना होने पर एक छोटा चम्मच एरंड का तेल मिलाएं। एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल में एक एसिड होता है जो आंतों के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर स्टूल को बाहर पुश करता है। आयुर्वेद के अनुसार एरंड का तेल कब्ज के लिए बहुत अच्छा है और अब तो मॉडर्न रिसर्च भी इस बात का समर्थन कर रही है। धीरे धीरे चाय की तरह पिए, आपको इसका फायदा अगले दिन सुबह जरूर दिख जाएगा। फिर अच्छे से सो जाएं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गहरी नींद से सोकर उठते हैं तो प्रेशर अच्छे से बनता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए रोज लगभग सेम टाइम पर सोएं ताकि सुबह टॉयलेट से जब बाहर निकलें तो मन प्रसन्न हो। तो फ्रेंड्स ये थे कब्ज की प्रॉब्लम को ऊपर से ही नहीं बल्कि जड़ से ठीक करने के लिए एक कंप्लीट आयुर्वेदिक रूटीन। 2 महीने लगातार फॉलो करें और फिर बंद कर दें। 100% फॉलो किया तो आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी और बस फिर एक अच्छी डाइट पर रहना ही काफी होगा। कुछ लोगों को तो 2-3 दिन में ही फायदा हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो आप दूध में कैस्टर ऑयल वाले स्टेप को स्किप करके बाकी रूटीन को 2 महीने तक फॉलो करते रहें। थैंक यू।